हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फोन के अंदर कैच डाटा को कैसे क्लियर कर सकते हो सैमसंग के फोन के अंदर, क्योंकि कैच डाटा क्लियर एक बहुत अच्छी चीज है जिससे आपके फोन के अंदर फालतू का प्रेशर खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं गाइस, अगर आपके फोन के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, एंड्रॉइड वर्जन अपडेट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके बाद अपने फोन का एक बार कैच डाटा क्लियर जरूर करना चाहिए, क्योंकि अपडेट के साथ कई बार कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जो आपके फोन के अंदर बाद में अफेक्ट करने लग जाती है। या तो आपकी बैटरी कम होने लग जाती है फोन की, चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाती है, या फिर आपका फोन हैंग करने लग जाता है। ऐसी ऐसी दिक्कत अगर आ रही है आपके फोन के अंदर अपडेट करने के बाद, तो भाई सिंपल सी चीज है, कैच डाटा को क्लियर करो, ये सारी दिक्कतें फिक्स हो जाएगी। तो जो भी फोन यूज करते हो आप, पुराना या नया, लेकिन उसकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कैच डाटा क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो कैच डाटा क्लियर करते कैसे हैं। देखो, पता है क्या करना है, सबसे पहले चेक करो अपने फोन की चार्जिंग कितनी है। देखो भाई, मेरे फोन की चार्जिंग 60% है, 50 से ऊपर हो तो ये चीज कर सकते हो। पावर बटन को प्रेस करके रखो और एक बार फोन को स्विच ऑफ कर दो। अब स्विच ऑफ भी भाई तरीके से करना है, पता है कैसे? देखो, एक बार वाइब्रेट हो जाना चाहिए स्विच ऑफ होने के बाद आपका फोन, ठीक है? तो गाइज यहां पे आपको क्या करना है, ये देखो, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ दबा के रखना है। देखो मैं एक साथ दबा के रख रहा हूं, अगर एक भी ऊपर नीचे दबा ना तो भाई आपका फोन सिंपल स्टार्ट होगा, वो उस मोड में नहीं जाएगा जिस मोड में मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं। देखो भाई, ये 830 मैं यूज कर रहा हूं इस टाइम, ये देखो अच्छे से ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके फोन के अंदर। अगर ये नहीं आते, इसका मतलब यही है कि आपने अपने फोन की जो बटन है अच्छे से प्रेस नहीं किए, तो भाई अच्छे से दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है। और अब क्या करना है, ये देखो पावर डाउन बटन से मैं जा रहा हूं, यहां पे जाना है आपको वाइप कैच पार्टीशन, गया यहां पे जाके भाई पावर बटन को प्रेस कर दो, ठीक है? देखो मैं सारी चीजें लाइव कर रहा हूं, यहां पे डाउन, यस, डन। आने के बाद यहां पे सबसे पहला ऑप्शन रिबूट सिस्टम नाउ, पावर बटन दबाओ, हो गया काम। बस भाई और कुछ नहीं करना, हो चुका है, आपका फोन कैच डाटा क्लियर कर चुका है। और अब आपके फोन के अंदर अगर कोई भी दिक्कत आ रही है वो ठीक हो जाएगी। मैक्सिमम आपके फोन के अंदर जो भी बग्स वगैरह आते हैं वो इसी चीज की वजह से आते हैं, कैच डाटा काफी ज्यादा हो जाता है। तो भाई इस चीज को एक बार डन जरूर करवाया करो। एक बार मैं आपको ये फोन भी स्टार्ट करके दिखा देता हूं कि फोन भाई अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। और भाई अगर आपके फोन के अंदर हैंग इशू है, हैंग होता है आपका फोन, तो ऐसा देखा गया है कि अगर ये चीज अगर आप अपने फोन के साथ कर लेते हो तो हैंग इशू भी बहुत हद तक ठीक हो जाता है। तो उस चीज के लिए भी आप इसे रिकमेंड कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अपने फोन के अंदर अगर और भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी एप्लीकेशन क्रैश कर रही है, या फिर और भी आपके फोन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो भाई उस चीज को भी आप सही कर सकते हो इसी मेथड से। यहाँ पे फोन मेरा हो चुका है ऑन और मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड भर देता हूँ। पासवर्ड भरने के बाद भाई ये देखो अच्छे से फोन स्टार्टिंग लिखा आ चुका है, अच्छे से फोन स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर अभी भी कोई डाउट अच्छी हो तो भाई कमेंट सेक्शन में वीडियो चले गए, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन को घेर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।